तो गाइज हम लोग फाइनली पहुंच गए गोरखपुर जंक्शन पे और हमारा ट्रेन लगी पड़ी है। बस हमको S1 में जाना है और वहां पर जाके बैठना है। ट्रेन का नाम है गोरखपुर LTT एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर है 1102। थैंक यू भाई, बहुत मस्त बंदा है, बहुत मस्त बंदा मतलब। सो वेलकम गाइज एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज का सीन ऐसा है, आज हम लोग जा रहे हैं मुंबई वापस अपने घर और एक महीना हम लोग प्रॉपर रहे, पूरा दिन पूरा घर जा रहे छोड़ने के लिए हम लोग को कुएं तक। मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कहे, ठीक है? चलो 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 जाते हैं अभी, चलो। बाय बड़ी मम्मी, बाय बड़े पापा, मु बाहु नहीं यहां, चल बंदर। तो गाइस फाइनली हम लोग प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए और अभी आगे जाके देखते हैं कितने नंबर पे ट्रेन लगा है। जो हिसाब से मैं दिखता है मैं आपको दिखा दूंगा। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच गए गोरखपुर जंक्शन पे और हमारा ट्रेन लगी पड़ी है। बस हमको S1 में जाना है और वहां पर जाके बैठना है। चल तो गाइस अभी पहुंच गए हम लोग और अपना नंबर ढूंढते, नंबर कहां पर है। 33 36 यही वाला। सो गाइस सीन ऐसे, ट्रेन का नाम है गोरखपुर LTT एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर है 1102 1182 और वहाँ से आएगी तो 1101 है। और जो जो आगे का सीन होता है मैं आपको बताता हूँ और बहुत सारे स्टेशन पे रुकने वाले हैं और मैं जहाँ जहाँ उतरूँगा मैं आपको दिखाऊँगा और थोड़ा सिनेमेटिक्स भी दिखाऊँगा। तो गाइस सीन ऐसा है, अभी वाराणसी से निकल पड़ी है ट्रेन और जस्ट 2 मिनट हुआ होगा, बहुत स्लो लेके जा रही है यहाँ से और आधा घंटा कुछ 45 मिनट ट्रेन लेट चलने लग गई अभी। तो आगे जाते जाते और लेट होते जाएगी। जो जो आगे का सीन बनता है मैं आपको दिखाता हूँ और रात में देखते और कौन सा स्टेशन पर रुकेगी। इसके बाद दिखाया है मिर्ज़ापुर में अगर रुकी तो फिर मैं उतर के आपको दिखाता हूँ वहाँ का क्या सीन बन रहा है। और यहाँ का मैंने दिखाया वाराणसी का क्या सीन बन रहा है, कुछ भी नहीं था भाई, सब अपने अपने इसमें लगे पड़े थे, कोई बेचने वाला नहीं है क्योंकि हमारा S1 है तो बहुत दूर मतलब इंजन के बाजू में ये पड़ रहा है। सो कोई बेचने वाला कुछ आ ही नहीं रहा है, मेरे को भूख लगा है अभी लेकिन कुछ आ ही नहीं रहा है। अगर मिर्ज़ापुर में कोई आए तो मैं बताता हूँ आपको और जो जो आगे का सीन बन रहा है मैं सब बताते रहता हूँ। मेरी नए फ्रेंड से जोर से
है नहीं शुभ, पूरा नाम पूरा बोलो, कपिल। जो जो आगे का होता है मैं आपको दिखाता रहता हूँ, सिनेमेटिक्स को और इन्जॉय करते रहो। गाइस अभी हम लोग उतरे पिपरिया जंक्शन पर और यहाँ का सीन कुछ अलग ही बन रहा है, पर हम लोग का जो सीट है ना बहुत पीछे, तो कुछ लेने का मिल ही नहीं रहा है सामान वगैरह खरीदने के लिए, और चिप्स वगैरह तो मैंने लेके रखा है। जो जो आगे का सीन बनता है मैं आपको दिखाता हूँ। नासिक रोड, और नासिक रोड के जाने के बाद कुछ 5 घंटा या कुछ ऐसा टाइम दिखा रहा है कल्याण के लिए, और ट्रेन चल रही थी 2 घंटा डिले, और अभी हो गई टाइम पे प्रॉपर। हम लोग को लग रहा है 10:55 पे पहुंचा देगी कल्याण पे। और उधर देखते हैं मोनू भाई को, अभी तक बताया नहीं, मोनू भाई मीन्स प्रवीण, उनको अभी तक मैंने बताया नहीं कि हम लोग आ रहे हैं, वहाँ पर जाके सरप्राइज देने वाले। जो जो आगे का सीन बनता है मैं आपको दिखाते रहता हूँ, जब तक सिनेमेटिक एंजॉय करो, और देखते हैं उनका सरप्राइज कैसा रहता है। मीन्स मैंने थोड़ा प्लान किया है, एग्जैक्ट पता नहीं कि उनको पता चलेगा या नहीं चलेगा, वहाँ पर उतर के कल्याण उतर के तब देखेंगे, और जो है जैसे मेरा दिमाग में चलता है वैसे मैं आपको बताता हूँ। जब तक सिनेमैटिक एंजॉय करो। बहुत मस्त लगा आपके साथ रह के, और पूरा सफर बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत मजा आया। बाय। हम लोग उतर गए अभी कल्याण जंक्शन पे, और भाई को अभी तक पता नहीं है कि हम लोग उतरे, और अभी देखते हैं उसका क्या सीन बन रहा है। कल ही मिला था, मैं पेड़ पड़ गया, इसलिए बताया नहीं क्या क्या सरप्राइज कर रहा था। रिएक्शन कैसा था? अरे मैं वो अंकल को खड़े रह के पूछ रहे तुम्हारे पास टिकट है क्या, बता है बोलता। गाइस सीन ऐसा था कि मैंने बोला था भाई को टिकट वगैरह कुछ अलग ही सीन था, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा आराम से। अभी हम लोग जाते हैं फटाफट पैक वगैरह करते हैं और मिलते हैं आगे की तरफ। हिमिलो जी, और अभी डायरेक्ट घर पहुंच चुके हैं भाई। बहुत मजा आया, बहुत मतलब बहुत ज्यादा सफर में मजा आया, और बहुत ज्यादा खुशी भी लग रहा है। जैसा उधर पे एंजॉय लग रहा था वैसे ही इधर पे तो भाई अपना घर पे तो एंजॉय लगेगा ही, फुल मतलब अंदर वाला सीन हुआ। और रस्ते में मैंने आपको दिखाया क्या क्या सीन हुआ था, एक नया दोस्त मिला जो मैंने आपको बताया छोटू सा, और बहुत उसने टाइम पास करवाया, और जो भाई को सरप्राइज दिया वो तो अलग लेवल का था, उसको पता तक नहीं चला। सीन क्या था, मैं उसको बोला कि हम लोग का टिकट नहीं मिल रहा है, और कल्याण स्टेशन पे आके तू टिकट ले ले, एक अंकल आके दे रहे। सो वो जाके वो अंकल को ढूंढ रहा था जब तक हम लोग वहाँ पर पहुँच गए। सो ऐसा सीन बना, मैंने आपको दिखाया जैसा ऐसा सीन बना था। और भाई जो मेरा पूरा पार्ट निकला, मीन्स गाँव का जो भी पार्ट था, आप लोग ने बहुत अच्छा प्यार दिखाया, जो मैं एक्सपेक्ट किया था उससे डबल टिबल हायर दिखाया।
बहुत मजा आया। और आगे भी नए नए ब्लॉग्स आते रहेंगे, यहाँ पर भी मैं कहीं कहीं घूमने जाऊंगा और मैं आपको ब्लॉग्स डाल के दिखाऊंगा। सो चैनल पर बने रहना और हमेशा ऐसी सपोर्ट दिखाते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और कमेंट कर दो यार, कुछ तो कमेंट किया करो, कमेंट नहीं करते आप लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।